पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी मॉर्फोलॉजीज। डेफिनेशन देखिए, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म विच डिफर्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। कोई भी कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, मतलब कॉलोनी में रह रहा है वो ऑर्गेनिज्म, तो जो उसके मेंबर्स होंगे वो अलग अलग तरह के दिखते होंगे, अलग अलग तरह के काम करते होंगे, इस फिनोमिना को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। हमने अभी स्टडी की है टाइप स्टडी ऑफ ओबिलिया। ओबिलिया एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म था। इस कॉलोनी में तीन तरह के मेंबर्स एग्जिस्ट करते थे। एक मेंबर को हम बोलते थे पॉलिप, दूसरे को बोलते थे मेड्यूसा, और तीसरे को बोलते थे ब्लास्टोस्टाइल। ये जो मेंबर्स हैं, हर एक इंडिविजुअल मेंबर को एक टर्म देंगे हम जूएड, इन्हें जूएड बोला जाएगा। तो एक कॉलोनी में यहाँ पर तीन जूएड एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। नेचर में ये एग्जिस्ट इसलिए कर रही है ताकि इस कॉलोनी में जो भी काम है वो काम करने के लिए अलग अलग मेंबर इजीली एफिशिएंसी से वो काम कर सकें, तो इनको काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ लेबर पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट। अब कोई भी कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मेनली दो तरह के जूएड्स तो होंगे, एक्सेप्शंस स्टिल हैं बट मेनली दो ये होंगे ही जनरली। तो पहले बात कर रहे हैं हम ये दोनों जूएड्स की। फर्स्ट इज पॉलिप, सेकंड इज मेड्यूसा। पॉलिप इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेंथ। इट इज सेडेंट्री, बॉटम से अटैच होता है, सिलेंड्रिकल है, हैविंग टेंटिकल्स विद निमेटोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल। ये आप देख रहे हैं, इट इज सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म, टेंटिकल्स हैं ऊपर, टेंटिकल्स के ऊपर निडल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं नाइडोसिल। ये नाइडोसिल एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, दैट इज हिप्नोटॉक्सिन। वो हिप्नोटॉक्सिन जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर इंजेक्ट होता है, वो अंदर जाने के बाद पैरालिसिस कर सकता है उस ऑर्गेनिज्म में या डेथ कर सकता है। तो ये अपने प्रिडेटर से बचने के लिए इस नाइडोसिल को यूज करते हैं और हिप्नोटॉक्सिन इंजेक्ट करके उसको फिर मार देते हैं। तो इसका मेन काम हो गया प्रोटेक्शन। फिर इसका दूसरा काम है, इसके अंदर यहाँ एक कैविटी है। इस कैविटी में कुछ सेल्स होते हैं विच आर कोल्ड एज ग्लैंड सेल्स। वो ग्लैंड सेल्स कुछ एंजाइम्स, कुछ सेक्रीशंस ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जिसकी हेल्प से ये अपने खाने को डाइजेस्ट कर सकता है। सो इसका दूसरा काम हो गया डाइजेशन। तो जब ये डाइजेशन परफॉर्म करता है, इस काम की वजह से इसको एक और नाम देते हैं गैस्ट्रोजुइड। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि जब पॉलिप मॉडिफाई हो जाता है ओनली फॉर डाइजेशन, देन इट इज कोल्ड एज अ गैस्ट्रोजुइड। इसके अलावा डाइजेशन परफॉर्म हो गई बट बॉडी को फूड को रिजर्व करने की भी जरूरत होती है, तो रिजर्वेशन के लिए भी इसके पास कुछ सेल्स होते हैं। तो जब वो सेल्स काम करते हैं जो कि फूड को रिजर्व करके रखते हैं, उस टाइम पे इस जुएड का को बोल दिया जाता है ट्रोफोजुएड। ट्रोफो मीन्स द वन विच हेल्प्स फॉर रिजर्वेशन और स्टोरेज। नेक्स्ट इज मेड्यूसा और गोनोफोर। ये एक फ्री स्विमिंग जुएड है, अम्ब्रेला जैसा दिखता है। इसके पास एक टिश्यू होता है विच इज कॉल्ड एज वीलम। देखिए आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो स्काई फेसिंग पार्ट है इसका, दैट इज कॉल्ड एज एक्स अम्ब्रेलर पार्ट। जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज सब अम्ब्रेलर पार्ट। इसकी बॉडी में ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं। ये टेंटिकल्स जिस सर्कुलर कैनाल के ऊपर लगे हुए हैं वहां पर एक टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड एज वीलम। अदर देन दिस, इसकी बॉडी में चार गोनैड्स होते हैं। गोनैड्स का काम है गेमीट प्रोड्यूस करना। गेमीट प्रोड्यूस होंगे मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। सो मेड्यूसा का काम हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जुएड। तो ये हमने देख लिए दो बेसिक टाइप के जुएड। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म नेचर में एग्जिस्ट करती है जब काम को बांटना हो, बट कई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको काम बांटने की जरूरत नहीं होती, तो उनमें पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। सिलेंट्रेट्स की बात करें तो हम सिलेंट्रेट्स में देखते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते। दे आर कॉल्ड एज मोनोमॉर्फिक।
एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा, इसके अलावा सी एनीमोन। इनमें सिर्फ पॉलिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है, देर इज नो मेड्यूसा इन दिस केस। सो सिंगल मॉर्फोलॉजी का है ये, सो इट इज मोनोमॉर्फिक। इसके ऑपोजिट आ जाते हैं वो जिनके पास एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म या मेंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं एक कॉलोनी में। सो स्टार्टिंग विथ जिनमें दो मेंबर हैं, दे आर कॉल्ड एज डायमॉर्फिक, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डायमॉर्फिज्म। जिनमें तीन है ट्राइमॉर्फिक हो गए, फिनोमिना इज ट्राइमॉर्फिज्म। तीन से भी ज्यादा है तो हम वर्ड यूज कर लेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ लेट्स सी डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म में दो बेसिक वर्ड्स तो होने ही होने हैं, पॉली मेड्यूसा। एग्जाम्पल है इसका ट्यूब्यूल एरिया, कैंपेन्यूल एरिया। नेक्स्ट ट्राइमॉर्फिज्म देखिए, दो हैं जो बेसिक हैं, इसके अलावा एक और एग्जिस्ट करे, दैट इज ब्लास्टोस्टाइल और जुएड। ब्लास्टोस्टाइल और डेक्टाइलोजुएड। इसका एग्जाम्पल है ओबीलिया और प्ल्यूम्यूल एरिया। फिर आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब जिनमें तीन से भी ज्यादा मेंबर होंगे। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, इनमें एक तो पॉलिप होगा, दूसरा मेड्यूसा होगा। इन दोनों के अलावा इनके पास और जो फॉर्म्स हो सकती हैं, दे आर मॉडिफाइड पॉलीप्लॉइड फॉर्म, पॉली पे थोड़ा और मॉडिफाई होके बना देता है, और जब मेड्यूसा थोड़ा और मॉडिफाई होके कुछ मेंबर बनाता है तो उसे बोलते हैं मॉडिफाइड मेड्यूसॉइड फॉर्म। तो पहले देखते हैं पॉलिप कैसे मॉडिफाई होके अलग अलग फॉर्म्स बनाता है। अगर पॉलिप डाइजेशन के काम के लिए मॉडिफाई होता है या स्टोरेज के काम के लिए मॉडिफाई होता है, तब इसे बोल दिया जाएगा गैस्ट्रोजुएट इफ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, एंड ट्रोफोजुएट जब स्टोरेज करनी है। देन नेक्स्ट इज अगर डिफेंस के लिए या प्रे कैप्चरिंग के लिए ही अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज डेक्टाइलोजुएट। देन मेड्यूसे बनाने के लिए मॉडिफिकेशन हो रही है, देन इट इज कॉल्ड एज गोनोजुएट। गोनोजुएट और ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल के अंदर ही मेड्यूसेस बनते होते हैं। नेक्स्ट मेड्यूसोइड फॉर्म देखिए, जो मेड्यूसा होता है ऊपर से इस तरह से होता है अम्ब्रेला लाइक। ये अम्ब्रेला लाइक थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, मेन काम से हटा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ के कुछ और करना शुरू करता है। जैसे जब ये बलून लाइक स्ट्रक्चर या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर स्विमिंग में हेल्प करने लगेगा, तब इसे बोला जाएगा स्विमिंग बेल्स और नेक्टोफोर्स। इसी में कुछ और मॉडिफिकेशन आएगी और ये फ्लोटिंग में भी हेल्प करेगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज न्यूमेटोफोर। देन जब इसके पास नाइडोब्लास्ट अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, प्रोटेक्शन करवाएगा, तब इसे बोलेंगे ब्रैक और फाइलोजुएट। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, तब इसे बोलेंगे गोनोफोर। और कुछ ऐसे भी मेड्यूसाइड फॉर्म होती हैं जो कि एक्चुअल में ये माना जाता है कि थोड़ा बहुत इनका काम स्विमिंग करवाने में ही है, बट एक्चुअली इनका ना पूरा काम भी डिस्कवर नहीं हुआ। इट इज ओरोफोर, इट्स एक्चुअल फंक्शन इज नॉट नोन स्टिल। तो ये हो जाते हैं हमारी मॉडिफाइड मेड्यूसॉइड फॉर्म एंड मॉडिफाइड पॉलीप्लॉइड फॉर्म। अब एग्जाम्पल देखिए पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म का, वेलेला एंड पोर्पिट। इनके पास ये चार तरह के जुएड होते हैं, न्यूमेटोफोर फ्लोटिंग कराते हैं, गैस्ट्रोजुएड डाइजेशन, गोनोजुएड रिप्रोडक्शन, टेंटिक्यूलोजुएड टेंटिकल्स होते हैं, माइडोसिल होंगे ऊपर और फिर डिफेंस कराएंगे मतलब। देन फाइजेलिया, इट इज कॉल्ड एज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। इट हैज न्यूमेटोफोर फॉर फ्लोटिंग, गैस्ट्रोजुइड डाइजेशन के लिए, ब्लास्टोस्टाइल मेड्यूसा बनाएंगे, देन डेक्टाइलोजुइड डिफेंस के लिए। देन इज इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे मेजर काम तो हो गया काम को बांटना, एफिशिएंटली उस काम को करवाना। इसके अलावा इसका सेकंड काम क्या है, इट इज मेटाजेनेसिस और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखिए जो भी कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, अगर वो एक ही जगह पे अपनी कॉलोनी को बढ़ाएंगे, एक ही जगह पे रहकर, ये मान लीजिए ये ओबेलिया था, यहीं पर ही इसकी सारी और कॉलोनियल डेवलपमेंट भी होगी, तो यहाँ पर फिर ओवर क्राउडिंग हो सकती है। तो ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए नेचर ने कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस क्या थे कि इसमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा इसके टर्मिनल रीजन से
वो ऑर्गेनिज्म बनेगा ब्लास्टोस्टाइल के अंदर। बनने के बाद वो यहां से निकलेगा, इट विल बी अम्ब्रेला लाइक इन शेप। निकलने के बाद वो मूव कर सकता है, फ्री स्विमिंग होगा, इजिली मूव करेगा, पानी में स्विम करेगा, किसी और जगह पे जाके सेटल हो जाएगा। सेटल डायरेक्टली नहीं होगा, वहां पर जाकर ये अपने गैमेट्स छोड़ेगा, गैमेट्स छोड़ने के बाद जायगोट बना, वो जायगोट फिर एक लार्वा बनाएगा, वो लार्वा एक्चुअल में सेटल होगा और फिर से इस कॉलोनी को वहां पर बना देगा जहां पर वो लार्वा सेटल हुआ है। तो इसकी वजह से ओवरक्राउडिंग बच जाएगी। तो देखिए इस चीज को, जिसमें क्या होता है कि कॉलोनी में से, कॉलोनी में पॉलिप था अटैच्ड, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, मेड्यूसा बन गया, मेड्यूसा ने सेक्स सेल्स बनाए, जायगोट बना फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फिर लार्वा बना, ये लार्वा डेवलप होने के बाद फिर कॉलोनी बनाएगा, उस कॉलोनी में पॉलिप बना, ब्लास्टोस्टाइल बना, फिर उसमें मेड्यूसा बना। तो ये जो सारा साइकिल चलता जा रहा है, जिसमें एक फॉर्म फिर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, फर्स्ट पॉलिप बना, फिर मेड्यूसा बना, फिर से पॉलिप बना, फिर मेड्यूसा बना, दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस।